दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग बहुत कुछ पिछले क्लास में देख लिए थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज और लॉसेस किस टाइप के होते थे उसमें। जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, एक स्प्लाइसिंग टेक्निक और टेस्टिंग का मेंशन किया गया है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है स्प्लाइसिंग टेक्निक का है। तो देखिए, स्प्लाइसिंग करने चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेई का अभी वैकेंसी आ चुका है और जेई की क्लास जो है हम लोग चालू करने का पूरा प्लान बना लिया है। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट इतना है कि जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और हम लोग जो है क्लास, उम्मीद है कि आप मान के चलिए कि आपके एलपी पेपर के मतलब कि पहले भी चालू हो सकता है या फिर जस्ट बाद ही, यानी कि 24 तारीख से ही जो है जेई की क्लास चालू हो जाएगी। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग मतलब वीडियो को शेयर करते रहें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बने रहें, ताकि मोटिवेशन हम लोगों को मिलता रहे और आप लोगों को हम लोग जो है क्वालिटी वाला वीडियो प्रोवाइड कराएं। और यहाँ पे जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और इसी के लिए तो यहाँ पे मैं हूँ ही, और अदर ब्रांच वालों के लिए भी व्यवस्था किया गया है मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अब ज़्यादा डिले ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा स्प्लाइसिंग है। तो देखिए, यदि आप लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत पीछे पड़े होंगे, तो क्या होता है कि जब ऑप्टिकल फाइबर जब भी इंस्टॉल किया जाता है तो किसी कारणवश क्या होता है कि मतलब जैसे कि हो सकता है कि कभी आपके रोड के तरफ यदि कोई काम वाम होता रहता है, जो सड़क का जो कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है आपका ब्रेक हो जाता है। तो डाटा का जो होता है कि पूरी तरह से जो होता है कि ट्रांसमिशन वो नहीं हो पाता है, वो आपका क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो हमको मेथड यूज करना होता है कि मतलब कि उसको कनेक्ट करके जोड़ने का। तो स्प्लाइसिंग भी बेसिकली एक क्या है, मेथड है, कनेक्टिंग मेथड है, जो कि कनेक्शन को आपको कनेक्शन करती है दो फाइबर के बीच में, यानी कि एक कनेक्टिंग मेथड है। तो सिंपली यदि बोला जाए तो ये क्या है, एक जॉइंटिंग ऑफ द टू फाइबर इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग, यानी कि दो फाइबर को जो हम लोग ज्वाइंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। और देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये आप देख रहे हैं ये हमारा कोर है। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों को कोर और क्लाइडिंग जो होना चाहिए आपका वो मैच करना चाहिए। कोर और क्लाइडिंग जो है दोनों इंड का है, जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मैच आपका करना चाहिए, यानी कि दोनों का जो आपका डायामीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर आपकी ये इस पॉइंट पे जो है स्प्लाइसिंग की जाएगी। ये बहुत मतलब हम डायामीटर ज़्यादा दिखाए हैं, वैसे तो बहुत पतला होता है फाइबर आपका, इस पेन से थोड़ा सा ही मोटा इतना ही होता है फाइबर। तो यहाँ पे कोर और क्लाइडिंग उसका जो होना चाहिए, दोनों का जो है डायामीटर मैच करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि यदि सही से यदि स्प्लाइसिंग नहीं हुई, ज्वाइंट नहीं हुए, तो क्या होगा कि वहां से पावर लॉसेस ज्यादा होगा। और देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्प्लाइसिंग जो होती है आपकी ये मशीन के थ्रू होती है, और एक जो होती है आपकी सिंपल जो है कनेक्टर के थ्रू होता है। तो इसमें जो लॉस होता है, तो ये लॉस मतलब कि आप याद रखिएगा कि क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से बनते हैं, तो लॉस जो मिनिमम जो लॉस होता है वो होता है 0.01 dB का होता है, और मैक्सिमम जो लॉस होना चाहिए वो 0.05 dB तक होता है। तो पूछा जाता है कि एक्सेप्टेबल लॉस कितना होता है, तो जो मैक्सिमम लॉस है आपका वही आपका क्या होगा, एक्सेप्टेबल लॉस होगा। इससे ज्यादा यदि लॉस हुआ तो उस केस में क्या होगा आपका, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैक्सिमम जो आपका लॉस होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर में वो 0.05 dB तक का होना चाहिए। तो ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सेप्टेबल लॉस कितना होता है, तो वो कितना होता है आपका 0.0 dB, और वहीं आपकी मैक्सिमम रेंज होती है लॉसेस के। अब देखिए, मैंने बताया कि जो आपकी ज्वाइंट होती है स्प्लाइसिंग, वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होता है फ्यूजन स्प्लाइसिंग होता है और दूसरा जो होता है आपका मैकेनिकल स्प्लाइसिंग होता है। यदि फ्यूजन स्प्लाइसिंग की बात किया जाए, तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो होता है आपका जो फ्यूजन स्प्लाइसिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ये एक मशीन आती है। यदि कोई फील्ड वर्क में काम किया होगा टेलीकॉम में, तो ये बहुत सिंपल सी बात होती है, वो लोग कई बार करना पड़ता है जो फील्ड वर्क में रहते हैं। तो क्या होती है, इसके लिए जो होता है एक मशीन आता है, जिसमें क्या होता है कि पहले से ही आपको जो है पूरा जो है जो टेम्परेचर होता है,
जो आपका इन्वायरमेंट का है जहाँ पे आप जा रहे हैं उसके अनुसार वो सेट कर दिया जाता है। बहुत सारे उसमें स्विच लगे होते हैं। आपको यदि हम सिंपल दिखाना चाहेंगे तो यदि मान लेते हैं ये आपका जो है पूरा ये है मशीन है, तो इस टाइप से मशीन रहती है और जैसे कि दोनों इंड यदि यहाँ पर ब्रेक हुए हैं तो क्या किया जाता है कि पहले इसमें अलाइन किया जाता है कि प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, दोनों का डायामीटर जो है ये वाला सेम होना चाहिए, तब जाके कहीं जो है इनके बीच में क्या होती है स्प्लाइसिंग की जाती है, इनको जोड़ा जाता है। तो देखिए फ्यूजन स्प्लाइसिंग में ये जो ज्वाइंट होता है वो किस तरह से होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्यूजन में जो होता है आपका ज्वाइंट वो बेसिकली कैसे होता है कि यहाँ पे जो है आपका हीट के थ्रू क्या करते हैं हम इसको जो है फ्यूज करते हैं। अब फ्यूज करके इस तरह से अलाइन किया जाता है दोनों तरह से यहाँ पे कि ये जो है प्रॉपर मतलब कि परमानेंट ज्वाइंट हो जाए, ये अपने आप में जो है इनके बीच का जो है कनेक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए प्रॉपर हो जानी चाहिए। और जो है यही चीज यहाँ पे लिखा गया है आपका कि फ्यूजन स्प्लाइसिंग इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द टू ऑप्टिकल फाइबर इंड टू इंड यूजिंग द हीट। यहाँ पे देखिए हीट के मतलब के एप्लीकेशन का यूज करके क्या किया जाता है इनको फ्यूज किया जाता है। और द गोल इज टू फ्यूज द टू फाइबर टूगेदर इज सच वे दैट द लाइट पासेज थ्रू द फाइबर इज नॉट स्कैटर स्कैटर ना हो और रिफ्लेक्टेड बैक बाय द आपका स्प्लाइस, जो आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं वहां से रिफ्लेक्टेड बैक नहीं आना चाहिए, मेन इसका एम यही होता है। तो देखिए फ्यूजन स्प्लाइसिंग में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्यूजन स्प्लाइसिंग किस टेक्निक पे काम करता है, मतलब क्या मतलब किस बेसिस क्या होता है उस पे जिस पे क्यों वर्क करता है। तो देखिए इसमें आपका फ्यूजन जो फ्यूजन स्प्लाइसिंग होता है क्या होता है आपका हीट जो होता है वो मतलब कि हीट के थ्रू उसको फ्यूज करके ऐड किया मतलब कनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो होता है यूजिंग हीट किया जाता है ये जो आपका फ्यूजन स्प्लाइसिंग होता है, और इसके लिए एक प्रॉपर मशीन आता है और जो इसमें ये मशीन के थ्रू होता है वो सब मतलब प्री डिफाइंड रहता है, सारा जो है सेटिंग वोटिंग उसमें रहती है। यदि आप नेट पे देख लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको स्प्लाइसिंग का एक जो किस तरह से वो कनेक्ट किया जाता है और जोड़ा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो इसमें बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती है कि आपको बहुत अच्छी तरह से मतलब जब आप जा रहे हैं स्प्लाइसिंग करने के लिए तो बिल्कुल आपका जो है हाथ वो जो है साफ सुथरा रहना चाहिए, पहले उसको ट्रैपर किया जाता है। तो प्रोसेस से हम लोग को यहाँ पे लेना देना नहीं है क्योंकि जो लोग फील्ड वर्क में काम करते हैं उनके लिए प्रोसेस जानना बहुत जरूरी रहता है। हम लोग क्या है मेन कि किस पॉइंट से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं बस उसी पॉइंट को कवर करना है। अब देखिए इसमें जो है आपका जो टेक्निक यूज किया जाता है हीटिंग के लिए वो आपका मेनली जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल आर्क किया जाता है हीटिंग के लिए, और कभी कभी जैसे आपका लेजर होता है आपका गैस फ्लेम होता है और टंगस्टन फिलामेंट भी यूज किया जाता है आपका एज अ हीटिंग एलिमेंट जो कि आपका स्प्लाइसिंग में किया जाता है। अब देखिए मोस्ट कॉमनली ये ज्यादातर ये यूज किया जाता है, मैक्सिमम जो होता है वो आपका यही वाला है फ्यूजन स्प्लाइसिंग ही यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो इसमें लॉस जो होता है वो आपका मिनिमम होता है ठीक, और दूसरा कारण ये है कि इसके थ्रू जो स्प्लाइसिंग होती है वो परमानेंट होती है, और उसमें जो होता है कि मतलब कि एक होता है ना कि भाई कोई डर नहीं रहता है कि मतलब बहुत जल्दी बेंड हो जाएगा, तो उस टाइप में नहीं जैसे लगेगा कि पहले जैसा ही फाइबर है उसमें कहीं भी आपको ज्वाइंटिंग का जो है ना वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से परमानेंसी जो होती है इसमें बढ़ जाती है और लॉस जो होता है आपका मिनिमम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं आपका फ्यूजन स्प्लाइसिंग टेक्निक यूज करते हैं। अब देखिए एक जो आता है आपका मैकेनिकल स्प्लाइसिंग आता है। देखिए मैकेनिकल स्प्लाइसिंग बेसिकली बहुत कम जगह पे यूज किया जाता है, वो भी कहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे कि यदि मान लेते हैं कि हमको मतलब कि यदि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बेंड हो गया है किसी कारणवश, तो हमको जरूरी और जल्दी में जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है बिटवीन ट्रांसमीटर और आपका रिसीवर सोर्स और आपका डिस्टिनेशन इन, तो उस केस में हम मैकेनिकल स्प्लाइसिंग का यूज करते हैं। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग एक टाइप का देखिए कनेक्टर होता है और वो आपका इतना छोटा होता है कनेक्टर, और उसके मतलब कि एक डिवाइस टाइप का होगा, वो दोनों टाइप से आप फाइबर लगा दीजिए और इस तरह से वो कनेक्ट कर देगा उसको। तो इस तरह से एक कनेक्टर होता है जहाँ पे हम लोग को क्विकली और इजिली जो है और फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो उस लिए हम वहाँ पे जो हम लोग मैकेनिकल स्प्लाइसिंग करते हैं। और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग जो होता है वो ज़्यादा प्रिफरेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके पीछे रीजन ये है आपका कि इसमें जो है लॉस होती है वो मैक्सिमम लॉस होती है 0.05 dB तक लॉस होती है। हाँ ये है कि हमको यदि मान लेते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिंग टेक्निक नहीं है
वहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है, और हमको क्या है कि बहुत जल्दी में बेंडिंग है, उसको ठीक कर कर हमको चालू करना है, तो वहाँ पे काम चलाऊँ जो है मैकेनिकल, आप स्प्लाइसिंग मेथड यूज कर सकते हैं फील्ड वर्क में, लेकिन वैसे जो है इसको प्रेफर नहीं किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम आपको जो बताए हैं वही लिखे हुए हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द स्प्लाइसिंग क्विकली एंड इजिली, द मैकेनिकल स्प्लाइसिंग इज अ बेटर चॉइस। यदि आप बहुत जल्दी में हैं, आपको मतलब बहुत कम टाइम है और आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है, तो उस केस में आप मैकेनिकल स्प्लाइसिंग यूज करते हैं। और एक मैकेनिकल स्प्लाइसिंग जो होता है, ये जंक्शन ऑफ द टू और द मोर ऑप्टिकल फाइबर, बात सही है, द फाइबर आर अलाइंड एंड हेल्ड इन प्लेस बाई अ सेल्फ कनेक्टेड असेंबली। ये आपका एक कनेक्टर टाइप का होता है जो कि क्या करता है, दोनों को कनेक्ट कर देता है एक लाइन में सीध करके। तो इस तरह से जो है आपका ये मैकेनिकल स्प्लाइसिंग मेथड, ये यहाँ पे थोड़ा सा और रह गया है जो कि मैं अभी कवर कर दे रहा हूँ। देखिए मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में जो लॉसेस होती है, हम आपको बताए थे कि इसमें 0.05 dB जो कि मैक्सिमम लॉस होती है ये, तो इस तरह से इसको इसीलिए प्रेफर नहीं किया जाता है। हम जल्दबाजी में है तो इसको यूज कर लिया जाता है, वैसे इसका यूज कोई नहीं करता है। आज के डेट में जो स्प्लाइसिंग टेक्निक यूज करती है, जितने भी फील्ड वर्क में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं और जो उनके टेक्नीशियन हैं, वो सारे के सारे जो है आपके ऑप्टिकल फाइबर में जो है फ्यूजन स्प्लाइसिंग टेक्निक ही यूज करते हैं। और थोड़ा सा ये होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका फ्यूजन स्प्लाइसिंग टेक्निक होती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल आपका स्प्लाइसिंग टेक्निक, वो थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, क्योंकि इस वाले में ज्यादा कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत सारा पैरामीटर आपको जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। यदि थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो आपकी स्प्लाइसिंग जो होती है बिल्कुल मतलब कि सक्सेसफुल नहीं होगी, आपको दोबारा स्प्लाइस करना पड़ेगा वहां पे, तो मेहनत बढ़ जाता है। इस वाले में जानते हैं कि लॉस ज्यादा होता है, तो इसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी किया जाता है लॉस के साथ। इस वाले में क्या होता है कि ये अलाउ करता है बोथ कनेक्शन और आपका डी कनेक्शन, तो इसलिए क्या होता है ये नॉट परमानेंट सिचुएशन में इसको जो है यूज नहीं करते हैं, परमानेंट कनेक्शन ये नहीं होता है जिस तरह से वो होता है। तो इसीलिए जो होता है इसकी जो है परमानेंसी और लॉस की वजह से, ज्यादा होने की वजह से इसका जो हम लोग यूज नहीं करते हैं मैकेनिकल्स जो स्प्लाइसिंग है। तो देखिए यहाँ तक जो था आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का, उस वहां तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। एक जो है आपका टॉपिक टेस्टिंग बचता है, वो टेस्टिंग जो हम करवा दे रहे हैं आपको, आपका जो मैक्सिमम जो है जो टेस्टिंग होता है, देखिए टेस्टिंग तो उस तरह से आपका बहुत है, बहुत सारे डिवाइस आते हैं, लेकिन जो मेन डिवाइस आता है जो पूछा जाता है टेस्टिंग के लिए, वो होता है आपका OTDR। तो OTDR एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो है आपका ये जो होता है आपका OTDR, ये आपका एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग टेस्ट करते हैं। OTDR जो होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है आप पहले जान लीजिए, क्योंकि पेपर में यही पूछा जा सकता है। ये आपका होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। तो ये क्या होता है आपका ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। इसकी देखिए जो बेसिक प्रिंसिपल होती है, वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट पे डिपेंड करता है। और इसको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे यूज किया जाता है, कि जहाँ पे आपका फॉल्ट डिटेक्ट करना होता है, तो जो फॉल्ट आपका जो है जो फॉल्ट डिटेक्ट किया जाता है वो इसी के थ्रू किया जाता है, ठीक। और इसका जो है कहीं पे यदि पावर लॉस कितना हो रहा है तो उसको भी यहाँ से फाइंड आउट किया जाता है। इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको मतलब कि केबल से जानकारी से, जैसे कि आपका फॉल्ट डिटेक्ट कहाँ हुआ है, मतलब फॉल्ट कहाँ हुआ है वो आप पता कर सकते हैं, पावर लॉस कितना हो रहा है वहाँ पे ये पता कर सकते हैं, फाइबर का जो है बेंडिंग किस जगह पे है, ये सारे चीज़ जो है उसमें, ये बिल्कुल मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, तो इसमें जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं कि इसका जो आप ब्लॉक डायग्राम थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल जो है यहाँ पे। तो देखिए जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कोई लाइट सोर्स होता है, जैसे हम यहाँ पे लेजर मान रहे हैं कि लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स हम जानते हैं कि ये क्या निकलता है, यहाँ से लाइट निकलेगी, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई कपलर है हमारा, ये कोई कपलर है जो कि क्या करेगा इस लाइट सिग्नल को किससे कनेक्ट करेगा, ये हमारा कोई मान लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है, यदि हमारा कोई ऑप्टिकल फाइबर है तो इससे क्या करेगा ये कनेक्ट करेगा, और
ये ऑप्टिकल फाइबर है हमारा, इससे ये क्या करता है, कनेक्ट, कपलर का मेन काम क्या होता है कि ये आपका लाइट सोर्स को इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो सिग्नल होता है उसको कनेक्ट करता है आपके ऑप्टिकल फाइबर से। और ये जो होता है, यदि मान लेते हैं कि कहीं फॉल्ट हो गया है, यदि ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर ये अगर कहीं फॉल्ट हो गया है तो क्या होगा कि ये जो है रिफ्लेक्ट होकर वहां से सिग्नल आएगा यहाँ पे, ठीक थोड़ा उधर जाएगा लेकिन पूरी तरह से सिग्नल क्या होगा आपका ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आता है आपका, यहाँ पे जो है आपका एक जो आपकी मशीन होती है उसमें जो लगा रहता है आपका फोटो डिटेक्टर लगा रहता है। तो फोटो डिटेक्टर लगा रहता है तो वो उसके पास आता है, फोटो डिटेक्टर के पास। और ये क्या होता है कि बेसिकली आपका एवलांचेज डायोड होता है, एवलांचेज फोटो डायोड होता है ये। तो एवलांचेज फोटो डायोड जैसे ही लाइट आता है उसको ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है लाइट सोर्स को, और ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद जो होती है यहाँ पे देखिए, एक जो है आपका ये आपका बॉक्स कार इंटीग्रेशन लगा रहता है। बॉक्स कार इंटीग्रेशन जो होता है ये क्या करता है कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डिस्प्ले जो होता है आपका एक, यहाँ पे डिस्प्ले लगा रहता है जो कि अब यहाँ पे आपके एनालिसिस होती है। ये जब लाइट इलेक्ट्रिकल सोर्स जो यहाँ से आता है उसको थोड़ा सा ये इम्प्रूव करता है और मैग्नीफाई करता है, और इसके बाद ये भेज देता है आपका डिस्प्ले के पास, ताकि वो डिस्प्ले जो है वहाँ पे शो करता है कि मतलब किस टाइप की लॉस है, कितनी लॉस है और आपका कहाँ पे ये लॉस है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको वहाँ पे वो शो हो जाती है। तो इस तरह से देखिए आपका जो है ओ टी डी आर जो है मेन फंक्शन क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, और ये किस तरह से काम करता है। और यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है पूछा जाता है तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ओ टी डी आर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो देखिए फॉल्ट को डिटेक्ट आपका डिटेक्ट करने के लिए, फॉल्ट का डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके बाद पावर लॉस के लिए यूज किया जाता है, पावर लॉस को पता करने के लिए। तो और यदि कहीं मान लेते हैं कि कहीं लेंथ, कितना लेंथ के बाद जो है आपका फॉल्ट है वो भी इससे पता कर सकते हैं। और इसका जो है ये आपका क्या है, आपका ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ये जो है आपका ब्लॉक डायग्राम है जो कि आपको मतलब कि इंटरनल जो आपकी वर्किंग कैसे होती है ये आपको बताता है कि यहाँ से लेजर यदि आप लाइट सोर्स भेजते हैं, यहाँ पे कपलर लगा रहता है जो कि कपल कर देता है आपके ऑप्टिकल फाइबर से। यदि ऑप्टिकल फाइबर कहीं आपके बीच में बेंड हो गई तो वो लाइट सोर्स क्या होता है कि कोर से रिफ्लेक्ट होकर आपके जो फोटो डिटेक्टर है वहाँ उसके पास आता है, जो कि एवलांचेज डायोड लगता है यहाँ पे, डिटेक्टर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एवलांचेज फोटो डायोड है, तो क्या करता है एवलांचेज इस लाइट जो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है आपके बॉक्स कार इंटीग्रेशन में जाता है, यहाँ पे जो होता है इम्प्रूव होता है, थोड़ा जो नॉइज वाइज जो होता है उसको मतलब कि रिमूव किया जाता है, और जो है एम्पलीफाई सिग्नल किया जाता है, और ये डिस्प्ले पे दिया जाता है। अब ये डिस्प्लेयर जो होता है क्या करता है कि उसका सिग्नल का एनालिसिस करता है, और इसके बाद वहां से पता चलता है कि कितना पावर लॉस हुआ है, कितना डिस्टेंस पे हुआ है, और जो है हमको किस तरह से मतलब कि ठीक करना है, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि अब हमको क्या करना चाहिए, किस टाइप का मतलब लॉस आ रहा है। तो इस तरह से देखिए आपका टेस्टिंग स्प्लाइसिंग जो टॉपिक था, और ओवरऑल आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो आपका जो है खत्म हो गया यहाँ पे। अब कल से जो हम लोग क्लास चालू करने वाले हैं तो वो कोई न्यू सब्जेक्ट लिया जाएगा, और न्यू सब्जेक्ट तो अभी देखा जाएगा। और वैसे आप अपना कमेंट जो है अभी जो अभी आपको अच्छा लगे तो आप लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अभी कुछ इसमें जो है इम्प्रूवमेंट कराना है तो आप लोग कमेंट बीच में करते रहें, ताकि पता चले कि हमारी जो कमी है उसको धीरे धीरे कैसे हम इम्प्रूव करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर हमको आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग का जेई की क्लास बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी जो हम लोग का ये क्लास जो चल रहा है उसमें बहुत कुछ सोच समझ कर जो है आपको कंटेंट देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ छाटना पड़ रहा है, बार बार सिलेबस देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सिलेबस जो है आईटीआई का सिलेबस है।
लेकिन जेई में ऐसा नहीं है। जेई में क्या है कि आपका पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो उसको कवर करना जो है इसके कंपेयर में इजी है, क्योंकि इसमें आईटीआई का सिलेबस में बहुत कुछ है जो कि आपका इंजीनियरिंग वाले सिलेबस में नहीं है, और उसमें भी देखना पड़ रहा है कि पिछले ईयर में क्या पूछा गया है उसके अनुसार से ही ये जो है बनाया गया है वीडियो। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें हम लोग को भी मतलब कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।